तो हाय गाइस, आज दूसरा दिन है हमारा ट्रेन के अंदर और मम्मी नाश्ता बना रही है हमारे लिए और हम खा रहे हैं। और ये कुछ नज़ारे हैं भाई जो जाते समय हमें मिले। लेक्स हैं बहुत सारे, पहाड़ भी हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, बहुत अच्छे नज़ारे थे। मैंने सोचा वीडियो बना लूँ आपको भी दिखाने के लिए। और ये वो ट्रेन है जिसमें हम सफ़र कर रहे थे, देख सकते हो बैक साइड का व्यू कितना अच्छा आ रहा है यहाँ से। और ये एक लेक है जिसको वीडियो बनाने से पहले ही वो पीछे चला गया। और ये कुछ माउंटेन्स हैं बहुत दूर से नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके वीडियो बना लिया। और ये कोई फैक्ट्री है यहाँ पे, और फैक्ट्री के पीछे बड़ा सा लेक है यहाँ पे। और थोड़े समय के बाद दोपहर हो गई है और हम सब भी बोर हो चुके हैं बैठे बैठे, कोई भी काम नहीं है। घर पे होते तो, शॉप पे होते तो कोई ना कोई काम होता, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं है, चुपचाप बैठे रहो बातें करते रहो। ये कोई स्टेशन आया था यहाँ पर, हमारी गाड़ी रुकी भी नहीं है, ट्रेन रुकी नहीं है। और ये कोई एक और स्टेशन जहाँ पे रुका था, तो बगल से एक ट्रेन जा रही थी इंडियन रेलवेज की, आप देखो। इसको भी सोचा वीडियो बना लूँ। और यहाँ पे चार्जिंग लगा हुआ है फोन सारे। और ये हम आगरा कैंट पे आ चुके हैं, अभी आगरा कैंट पे उतर चुके हैं। और ये सारे देखो कितने सारे लोग आए थे, और बहुत सारे लगेज भी थे हमारे साथ। और यहाँ पर इंडियन फ्लैग भी लगाया गया था इंडिपेंडेंस डे को, देख सकते हो। ये हवा वहाँ पर कम थी तो ठीक से उड़ नहीं पा रहा था ये, लेकिन वीडियो थोड़ा सा अच्छा बना है फ्लैग का, आप देख लो। तो गाइस अभी आगरा पहुँच चुके हैं, अभी लगेज सारा लेके हम रूम के लिए निकलते हैं यहाँ से। रूम भी बुक हो चुका है और अभी हम रूम से निकल चुके हैं बाहर, सारे लोग तैयार होके। और यहाँ पे आगरा में 15 मिनट बारिश पड़ी थी, और 15 मिनट की बारिश में ये सब हो गया बाहर। हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर रुक जाएगा, देख सकते हो स्कूटी बाइक सारे धक्का दे के जाने पड़ रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पे बारिश की वजह से, और लोग भी चल फिर नहीं पा रहे हैं, शॉप वगैरह सभी क्लोज कर दिया है, देख सकते हो गाड़ी के कितना ऊपर आ चुका है। और यहाँ पर भाई लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पे, सारे घर घर के अंदर, शॉप्स के अंदर सब कुछ पानी घुस चुका है। सिर्फ 15 मिनट का बारिश था, 15 मिनट के बारिश में इतना सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। सोचो अगर एक घंटा बारिश पड़ गया तो समंदर बन जाएगा यहाँ पे। देख सकते हो भाई लोग कितने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं यहाँ पे, बहुत सारा गंदा पानी भी मिक्स हो चुका है इसमें, गंदा पानी भी आ चुका है रोड पे। और दुकान सभी क्लोज्ड हैं अभी, अच्छे खुले नहीं हैं अभी। यहाँ पर थोड़ा सा कम पानी है, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा पानी था वहाँ पे, देख सकते हो ट्रक वगैरह सभी रुके पड़े हैं यहाँ पे। देखो अभी आगे से दिखाता हूँ मैं आपको, देखो डिवाइडर का मतलब आधा हिस्सा डूब चुका है पानी में, दिख ही नहीं रहा। और लोग सारे रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, देखो स्कूटी मारे जा रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है इसकी स्कूटी। और अभी सब समंदर पार करके अभी नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। अभी नाश्ता करने के बाद फिर मिलते हैं आपको आगे चल के।